बात करेंगे एनडीए में जो परमानेंट रिजेक्शन के जो आपके रीजंस होते हैं, पांच इंपॉर्टेंट रीजंस बता देता हूं, पांच जो इंपॉर्टेंट आपके डिजीज होते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपकी बॉडी पे जिनसे आपका परमानेंट रिजेक्शन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम टीआर, आपको टीआर मिलते रहेंगे बट फाइनली वो एक परमानेंट रिजेक्शन में चेंज हो जाता है। सबसे पहला है आपका अब बोन फ्लेक्स, जितनी भी आपकी बोन फ्लेक्स यानी कुछ भी आपका बोन में प्रॉब्लम है, हड्डियों में प्रॉब्लम, सेम मैंने जैसे कि बोला बो हैंड बो लेग्स हो गया, कुछ भी इस टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें आपका कैरिंग एंगल शो कर रहा है 22.5 से, अगर आपका किसी में भी एंगल टेढ़ा है तो आपको वो बिल्कुल नहीं लेंगे, आपको वो टीआर देते रहेंगे, लास्ट में आपको कंप्लीटली मेडिकल अनफिट कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम सेकेंड मेडिकल की बात करते हैं, वो है हमारा सफ़ेद दाग जिसको कहते हैं ल्यूकोडर्मा या विटिलगा। ठीक है, ये चीज़ अभी मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये चीज़ है क्या, ये चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप इसको विद इन 2 to 3 months से पहले आप सही नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए अगर आपको ये है ल्यूकोडर्मा तो पहले से क्योर हो जाए, यानी सफ़ेद दाग अगर आपका है तो आप उसको क्योर कीजिए। लेज़र ट्रीटमेंट आपका होता है, ऑप्शन बहुत सारे, डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं आप, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगा बट वो लंबा चलेगा, नॉन आयुर्वेदिक के लिए जाइए। थर्ड मोस्ट रीज़न आपका आइज़ के लिए जो है लैसिक, कभी भी आप आँखों की सर्जरी करा के नहीं जाइएगा, आँखों की अगर आपने सर्जरी की है आपको सीधा बाहर कर देंगे, ना आप आर्मी के लायक है, ना नेवी के लिए, ना ही एयरफोर्स के लिए, तो ये चीज़ कभी नहीं करानी। अपार्ट फ्रॉम दैट चौथा हम आते हैं जिसका नाम है वेरिकोसील कहते हैं, वेरिकोसील यानी पाइल्स, इन दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। किसी किसी का ये प्रॉब्लम होता है, अब ये प्रॉब्लम काफ़ी स्टेजेज में होता है, स्टेज वन चलता है, स्टेज टू चलता है, बट स्टेज थ्री जो आपका है ना वो नहीं चलेगा। स्टेज वन क्या होता है, कभी बार मिर्ची खाने से आपका ऑटोमेटिक उस टाइम पर दिख जाता है वो। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं साफ साफ आपको ये चीज़ बोलते रहता हूँ कि स्टेज थ्री नहीं होना चाहिए, कि स्टेज थ्री में आपको फिर ऑपरेशन यानी बहुत सारी चीज़ें पहले से क्योरेशन चाहिए होगी, अगर ये प्रॉब्लम अभी आपको है तो आप इसको ठीक कीजिए। अगला जो आपका प्रॉब्लम है वो हाइड्रोसील कहते हैं, हाइड्रोसील यानी आपके जो टेस्टिस रहते हैं उनमें पानी भर जाता है पूरा कम्प्लीटली तरीके से, यानी जब काफ़ी ज़्यादा वो स्वेलअप हो जाते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए आपका। पाँच चीज़ें अब मैं बता दूँ, तो ये तो पाँच आपके हो गए कि काफ़ी ज़्यादा, कि अगर इनमें कोई दिक्कत है ना आपको तो आप इन ही नहीं हो सकते, बट टीआर के भी कुछ सारे रीजंस होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है वेरिकोस वेंस, वेरिकोस वेंस यानी वेंस की जो आपकी क्रॉस वेंस हो जाती हैं, गांठ बन जाती, हिंदी में बोला जाए तो गांठ बन जाती, वो नहीं होना चाहिए। अगला आता है आपका हाई आर्क फुट कहते हैं, हाई आर्क फुट नहीं होना चाहिए, यानी आपका दूसरी सी बात है फ्लैट फीट, दोनों पाँव के हैं आपके हाई आर्क फुट और क्या कहते हैं फ्लैट फीट, दोनों पाँव के हैं आपके, उसके लिए आपके पास स्पेशली जूते के डिज़ाइन बन के आते हैं, जूते उस टाइप के आते हैं, ऊंची हील वाले जूते कहते हैं किसी को, तो हील वाले जूते आते हैं अलग तरीके से, वो स्पेशलाइज, या फिर आपको अमेज़न या फिर ये फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको रबर टाइप का एक सोल मिल जाएगा जिसको आप पाँव में ऐसे पहन सकते हैं नॉर्मल चप्पल, उसके बाहर आप जूता पहनिए, कोई नहीं सॉक्स टाइप का होगा वो एकदम, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, कम्फर्ट का आपको बढ़िया ध्यान रखा जाएगा। अब बात करते हैं बाकी, किसी किसी का DNS होता है, नाक देखिए किसी की दाईं तरफ झुकी होती तो उसका RDNS कहते हैं और बाईं तरफ झुकी होती तो उसको लेफ्ट DNS कहते हैं, तो ये DNS जिसका भी है आप उसको ठीक करा सकते हैं, इसका ऑपरेशन होता है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आप क्योर कर सकते हैं, बाकी आइस का इतना है 1.5 डायप्टर तक जाते हैं, और जहाँ तक बात है आर्मी तक, आर्मी में तो +3 -3 डायप्टर तक चले जाता है, यानी 6x6 एग्जैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं, 6x12 भी चलेगी आपके, नॉट एन इशू। अब बात करते हैं हम लोग टीथ की, बहुत सारे लड़कों ने इस बार कमेंट किया होता है, ये मुझसे कहते हैं सर हमारे दांतों के बीच में गैप है तो क्या करें, तो टाटस लगा सकते हैं, वायर्स वगैरह जो होते हैं वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, टाटस लगा के वो आपकी क्लोज आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है दांतों की, ये सारी चीज़ तो आपकी मतलब नॉर्मल, बस आपके डेंटल पॉइंट जो हैं वो मिनिमम होने चाहिए 14, मिनिमम डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, मेरे खुद के 19 थे, तो ये तो हर किसी के ज़्यादा होते हैं 28 तक डेंटल पॉइंट्स जाते हैं, तो 14 तो मिनिमम होने चाहिए। और दांतों में कोई कैविटीज़ वगैरह हैं तो आप फिलिंग करवा सकते हैं, कैपिंग करवा सकते हैं, कैपिंग के लिए कहते हैं काफ़ी लड़के मुझसे, तो आप कैपिंग करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। थ्रोट के लिए भी आता है कि थ्रोट में ऐसा कुछ नहीं है, किसी की पिजन चेस्ट होती है बोला एक कुबड़ी टाइप की छाती, अगर वो है तो उसके लिए प्रॉब्लम, आप डिफॉर्मिटी कुछ लोग जिम जाके सही कर लेते हैं, कुछ लोग रेगुलर आपका फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं वो ठीक कर लेता है, और बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एब्डोमेंस का प्रॉब्लम हो गया आपका, और तो बाकी मैंने आपको सारी प्रॉब्लम बता दी है। एक अपार्ट फ्रॉम नॉकनी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको ठीक करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, नॉकनी के लिए मैं हमेशा बताते आया हूँ कि आप टांगों के बीच में तकिया डाल के सो सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ इंडिया मेडिकल और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।